हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमर है और हमारे शॉप का नाम क्लासिक टायर्स, जो कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे से काफ़ी करीब है। शॉप का कंप्लीट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन ट्रक ओनर्स के लिए जिनका ट्रक ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों एप्लीकेशन पर चलता है। तो ज़्यादातर वो जो लोग हैं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनको टायर कौन सा डालना चाहिए, बिकॉज उनको ऑफ रोडिंग पे टायर रेजिस्ट भी करना चाहिए कट एंड ऑन रोड पे टायर माइलेज भी देना चाहिए। तो वो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है उसकी, जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं। तो वो सारा कन्फ्यूजन दूर करते हुए और सारी परेशानी दूर करते हुए अपोलो टायर्स ने लॉन्च किया है एंड्यू ट्रैक्स MD। तो दोस्तों, ये टायर आप देख सकते हो, ये दोनों साइज़ में अवेलेबल है, 1120 एंड 1020। ये दोनों साइज़ में आपको टायर अवेलेबल हो जाएगा। गाइस, ये टायर की खास बात, सबसे खास बात ये है कि ये टायर का जो साइड वॉल है, आप देख सकते हो कि ये जो साइड वॉल है वो कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है। और स्ट्रॉन्ग बनाने का रीज़न ये है कि जब टायर गाड़ी में जब लोड होता है तो टायर में जो फ्लक्चुएशन होता है साइड वॉल में वो काफ़ी कम होता है इस टायर में। एंड जाहिर सी बात है, फ्लक्चुएशन कम होगा तो टायर में हीट जो जनरेट होती है ना वो काफ़ी कम होती है। टायर का टेम्परेचर मेंटेन होता है, और टायर का टेम्परेचर मेंटेन होने की वजह से और हीट कम जनरेट होने की वजह से टायर का लाइफ है और जो टायर का वेयर आउट परसेंटेज है वो काफ़ी कम हो जाता है। ये एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। सेकेंड बेनिफिट इसमें यह है दोस्तों, ये जो आप जो थ्रेड पैटर्न आप देख रहे हो, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जब गाड़ी में लोड पड़ता है तो कंप्लीट सारा टायर में इक्वली लोड जो है वो डिवाइड होता है। इसके वजह से टायर का लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग का ट्रक इस तरीके के एप्लीकेशन में चल रहा है जहाँ ऑन रोड भी जाना पड़ जाता है, ऑफ रोड में भी जाना पड़ जाता है, तो दोस्तों सारा कन्फ्यूजन दूर करते हुए आप एंड्यू ट्रैक्स MD ट्राई कर सकते हो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये टायर आपको काफ़ी बेहतरीन लाइफ देगा। बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो नीचे जो नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो।